थोड़ी सी फनी सी चीज है, किसी ने पूछा कि अगर मैं दो बार कर देता हूँ डिपॉजिट तो क्या मैं क्रिप्टो को विड्रॉ कर पाऊंगा, तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप क्रिप्टो को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो लास्ट टाइम मैंने आपको वजीरएक्स के बारे में बताया था कि WRX का बर्न क्यों नहीं हो रहा है, इसी के साथ WRX को होल्ड करने का फायदा है या नहीं। लेकिन आज मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि क्या वजीरएक्स यूज़ करने का फायदा है नहीं, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि हमारा जो इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा एक्सचेंज है वही हमारे साथ ऐसा करने वाला है। और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर रही हैं सभी यूज़र्स के लिए। आप एक नॉर्मल सा डिपॉजिट विड्रॉल भी नहीं कर पा रहे होंगे इस वक्त, तो आपको यहाँ पे कुछ कंडीशंस जाननी जरूरी हैं ताकि आप भी इस झंझट में ना फंस जाएं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आपने कुछ डिपॉजिट किया तो विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, विड्रॉ एक बार कर लिया तो डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके दोनों डिसेबल ही हो चुके हैं। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने आपके लिए ये एक काइंड ऑफ वार्निंग वीडियो बनाया है ताकि आप सावधान रहें, जो जो आपको बताऊंगा वो आपने नहीं करना ताकि आपके साथ ये डिपॉजिट विड्रॉल वाली प्रॉब्लम कभी ना आए। तो वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप भी वजीरएक्स के यूज़र हैं तो वीडियो पूरा देखते रहना, चैनल पर पहली बार है तो अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशंस भी हमेशा पहुंचते रहें। तो सबसे पहली चीज़ वो ये है कि हम P2P यूज़ करते हैं ज़्यादातर सारी एक्सचेंजेस के ऊपर। P2P से क्या होता है कि हम बहुत ही ईजिली किसी के बैंक अकाउंट में पैसे डालते हैं और उसके बदले में हमें क्रिप्टो मिल जाता है, या फिर हम क्रिप्टो किसी को सेल करते हैं और हमारे अकाउंट में INR यानी कि रुपीज़ मिल जाते हैं डायरेक्टली, जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन का भी नहीं पता चलता कि क्रिप्टो की है या नहीं। तो अगर आप टैक्सेस नहीं पे करना चाहते या फिर करना चाहते हैं लेकिन सारा दिखाना नहीं चाहते, या फिर आप अपने ही तरीके से इसको मैनेज करना चाहते हैं, तो आपके लिए P2P हमेशा सही तरीका रहने वाला है। यानी कि आप डायरेक्टली बैंक टू बैंक ट्रांसफर्स करते हैं, तो जो कि बहुत ही अच्छा रहता है तरीका। लेकिन P2P में बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, P2P का काइंड ऑफ स्कैम चल रहा है, बाइनेंस के ऊपर खासकर देखा जा रहा है, इवन वजीरएक्स के ऊपर भी है, कि अगर आप P2P यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए और आपके ऊपर केस भी हो सकता है, FIR भी हो सकती है, जिससे क्या है कि आप अपना अकाउंट तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, अपना जो फंड्स हैं वो भी विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो फ्रीज ही रह जाएंगे। अब इसी के साथ साथ आप ये भी सोचते होंगे कि अगर मैं P2P यूज़ नहीं कर सकता तो इसके अलावा कोई और भी सॉल्यूशंस होंगे, जैसे कि डायरेक्टली बैंक अकाउंट पर डिपॉजिट हो जाए या फिर विड्रॉल हो जाए, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप एक बार कमेंट कर दो कि आपके साथ अभी P2P वाली कोई प्रॉब्लम चल रही है या नहीं चल रही, नीचे कमेंट करके बता दो, मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा और आने वाले समय में आपको एक प्रॉपर वीडियो भी दूंगा ताकि आप इस झंझट में ना फंसें। और P2P में अगर आपके साथ भी अकाउंट फ्रीज वाली प्रॉब्लम आती है तो आपका ये सोल्यूशन बहुत ही आसानी से निकल जाए। तो अभी इसके अलावा क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं अगर आप एक वजीरएक्स यूज़र हैं या फिर इंडियन यूज़र हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि अभी तक वजीरएक्स का प्रूफ ऑफ रिजर्व्स का कोई भी सामने प्रूफ नहीं आया है। अगर हम coinmarketcap.com के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे वजीरएक्स सर्च करते हैं तो यहाँ सामने प्रूफ ऑफ रिजर्व्स का यानी कि POR का कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यानी कि हम इसके प्रूफ ऑफ रिजर्व्स चेक नहीं कर पाएंगे और ना ही यहाँ पे किसी तरीके का इंडिकेशन है कि इनके पास रिजर्व्स हैं। इसी के ऊपर यहाँ coin DCX आप दोनों की जो रेटिंग है 3.8 है, जो कि बहुत ही घटिया रेटिंग है। मैं चाहता हूँ कि हमारी इंडियन एक्सचेंजेस की रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 6-7-8 होनी चाहिए, ये 4 भी नहीं है, यानी कि आधी से बहुत ज़्यादा कम है। इनफैक्ट coin DCX का यहाँ पे POR दिख रहा है, एक्सचेंज के रिजर्व्स का डाटा अवेलेबल है, लेकिन वजीरएक्स का यहाँ पे डाटा अवेलेबल नहीं है, जो मुझे लग रहा था शायद 1-2 महीने तक आ जाएगा, लेकिन बहुत लंबे समय से इन्होंने कहा कि हमने प्रूफ ऑफ रिजर्व्स तो करवा लिया है, हमारे पास अभी सर्टिफिकेट भी है, लेकिन यहाँ पे POR ये अपना डाटा क्यों नहीं दिखा पा रहे। ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है हम सभी यूज़र्स के लिए कि क्या हमारा जो फंड्स हैं वजीरएक्स के ऊपर वो सेफ है या नहीं है। आई होप कि ये वीडियो वजीरएक्स वाले भी देख रहे होंगे, अगर देख रहे हैं तो शायद सोल्यूशन भी मिल जाए। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो बहुत ही बुरी प्रॉब्लम आ रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने एक बार यूज़ कर लिया वजीरएक्स तो उसके बाद आप इसमें फंस गए। अब इसमें क्या है कि किसी ने कमेंट किया, वैसे तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरी टीम के साथ भी ऐसा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आपने INR डिपॉजिट कर लिया तो डिपॉजिट करने के साथ साथ आपके कई सारे ऐसे फंक्शंस हैं, फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो कि डिसेबल हो जाएंगी। अगर आपने INR डिपॉजिट कर लिया तो उसके बाद आपका जो क्रिप्टो विड्रॉल्स हैं वो बंद हो जाएगा, P2P ट्रेडिंग वो बंद हो जाएगी, तो दोनों चीज़ें बंद हो जाएगी। तो अगर आपने INR डिपॉजिट किया उससे क्या करोगे आप, आपने क्रिप्टो करेंसी बाय करी, क्रिप्टो करेंसी बाय करने के बाद आपका क्या मकसद है, आपने किसी न किसी तरीके से ट्रेड करके प्रॉफिट निकाला, यानी कि आपका प्रॉफिट बन गया वो चाहे किसी भी क्रिप्टो करेंसी में, तो उस क्रिप्टो करेंसी को आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, किसी भी डेक्स के ऊपर, किसी भी एड्रेस के ऊपर आप उसको विड्रॉ नहीं कर पाओगे। इसी के साथ अगर आप सोचो कि मेरा प्रॉफिट तो बन गया, अब मैं इस प्रॉफिट को P2P के द्वारा सेल करके अपने बैंक अकाउंट में निकाल लेता हूँ,
तो वो भी आप नहीं कर पाओगे। तो ये एक तरीके से बहुत ही बड़ी साजिश की तरह साजिश ही है जो कि रची जा रही है कि अगर आपने INR डिपॉजिट किया है तो उसके बाद आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को विड्रॉ नहीं कर पाओगे, ना ही आप अपने प्रॉफिट्स को बैंक अकाउंट में ले पाओगे P2P के द्वारा। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे क्या है कि डायरेक्टली आपका अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर्स होंगे, जिससे क्या है कि एक सामने क्लियर रिपोर्ट नहीं दिखेगी कि क्या ये आपके क्रिप्टो के प्रॉफिट्स हैं या फिर आपने अपना जो पैसा डाला था उसी को विड्रॉ कर रहे हैं। तो सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि आपने INR डिपॉजिट नहीं करने हैं, आपने INR RTGS के द्वारा, नेफ्ट के द्वारा, IMPS के द्वारा अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं तो आपने किसी भी हालत में ये डिपॉजिट नहीं करने हैं। इससे अच्छा तरीका शायद यही बेटर है कि आप P2P ही करो। अब P2P ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खुद बनी हुई है, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बता दिया कि P2P के द्वारा स्कैम काफ़ी सारे हो रहे हैं, जिसमें हमें फिर Wizirex जैसी या फिर कोई भी एक्सचेंज हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि उसमें क्या है कि फिर लॉ आ जाता है बीच में। जब लॉ आ जाएगा तो ऐसी एक्सचेंजेस कुछ भी नहीं हमारा सोल्यूशन निकाल पाएंगी। तो आपका यहाँ पे जो INR है उसको डायरेक्टली उसी बैंक में आप विड्रॉ कर पाओगे और क्रिप्टो को डिपॉजिट कर पाओगे। अब इसका मतलब क्या है कि आप अपने उसी एक्सचेंज के ऊपर बार बार क्रिप्टो को डिपॉजिट करे जा रहे हो लेकिन विड्रॉ नहीं कर पाओगे। आप अपने क्रिप्टो को P2P के द्वारा सेल नहीं कर पाओगे लेकिन उसको INR में पूरा के पूरा कन्वर्ट करके बैंक अकाउंट में डाल सकते। क्यों? क्योंकि उससे क्या है कि एक तो सेल करते वक्त आपका 1% का TDS कटेगा, जो है 1% बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। 1% TDS कटेगा जो कि अभी जाने वाला है गवर्नमेंट को, क्योंकि इन्होंने 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा कमाया है सिर्फ TDS के द्वारा ऑलरेडी। तो ये गवर्नमेंट तो अपना पैसा कमा रही है लेकिन इसी के साथ साथ वो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी रखना चाहती है। अगर हमने INR से क्रिप्टो बाय किया या फिर हमने किसी और एक्सचेंज से क्रिप्टो को हमारे Wizirex एक्सचेंज के ऊपर लाया तो गवर्नमेंट को पता होगा कि हमारे पास कितनी क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं, और उसको या तो आप वहीं रखोगे या फिर उसको विड्रॉ करोगे बैंक में। तो INR में विड्रॉ करते ही आपका TDS कट जाएगा और आप ट्रैक में आ जाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए सिर्फ P2P ही सोल्यूशन बचा है, या फिर सोल्यूशन सबसे अच्छा यही है कि आप इंडियन एक्सचेंज यूज़ मत करो और फॉरेन का एक्सचेंज यूज़ करो। तो उसमें भी बाइनेंस के ऊपर P2P की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और वो भी एक तरीके की साजिश है। वो इसलिए आ रही है प्रॉब्लम, यहाँ पे गवर्नमेंट उसका सोल्यूशंस अपने आप क्यों नहीं निकालना चाहती, ताकि आप भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग या तो बंद कर दो या फिर कम से कम अपना TDS देकर और प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि 30% देकर ही अपना प्रॉफिट बाहर निकालो और टैक्सेस पूरे पे करो। अब यहाँ पे जो भी मैंने डिस्कशन करी है ये पूरा का पूरा एक तो मैंने रियल के सिनेरियो के बेसिस पर आपको बताया कि जो कि मेरे साथ या फिर मेरे टीममेट के साथ हुए, दूसरा ये कि मैंने यहाँ पे एक ट्वीट खोला और इस ट्वीट में भी ये सब कुछ सेम जानकारी चल रही है। तो मार्च 2 में किसी ने लिखा था कि मेरा जो विड्रॉल है वो नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने यही जवाब दिया था जो मैंने आपको सब कुछ बताया है। तो इन्होंने कहा कि जो अगर आपका पहला INR का सक्सेसफुल डिपॉजिट हो जाता है RTGS, नेफ्ट, IMPS में, तो उसके बाद आपके क्रिप्टो विड्रॉल्स और P2P ट्रेडिंग बंद कर दी जाएगी, हालांकि आप INR को बैंक में अपने उसी बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं और आप क्रिप्टो करेंसी को भी डिपॉजिट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार डिपॉजिट होगी तो उसके बाद आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। अब इसी के साथ एक थोड़ी सी फनी सी चीज़ है, किसी ने पूछा कि अगर मैं 2 बार कर देता हूँ डिपॉजिट तो क्या मैं क्रिप्टो को विड्रॉ कर पाऊंगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप क्रिप्टो को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ अपने INR को बैंक में विड्रॉ कर पाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, ये मैंने आपको पहला वीडियो दिया है जो कि Wizirex के रिलेटेड है, और ऐसा ही सेम बहुत बड़ी प्रॉब्लम, वो थोड़ी अलग से प्रॉब्लम है, हर एक एक्सचेंज की अलग प्रॉब्लम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ही। अब Zappe में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपको Zappe या फिर ऐसे कोई भी इंडियन एक्सचेंज में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे एक बार कमेंट करके बताएं, तो मैं उसी को लेकर एक डिटेल्ड वीडियो बताने वाला हूँ, आपको सोल्यूशन भी दूंगा। तो नेक्स्ट में वैसे Zappe के ऊपर बनाने वाला हूँ, तो Zappe की सारी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं क्वेरीज हैं नीचे कमेंट कर दीजिए, एंड Wizirex का अगर आपको अभी भी कोई डाउट है नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको सोल्यूशन जल्दी बताऊंगा। तो उम्मीद आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, थोड़ी सी भी अगर जानकारी मिली है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इसी के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशंस भी हमेशा पहुंचते रहें। धन्यवाद।